फ्रेंड्स, ये पोर्चुला का है जो कि कई रंगों में इसकी फ्लावरिंग होती है। फरवरी में इसकी कटिंग ला करके लगाने से मार्च से इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और नवंबर तक चलती है। इसकी ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही आसानी से बढ़ने वाला ये पौधा है, बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है। इसे धूप में रखना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से इसकी फ्लावरिंग होती है। और ये मेरा कड़ी पत्ता है जो कि काफ़ी दिनों से मैंने लगा रखा है। 10 इंच का गमला है जो कि इसमें पत्तियाँ काफ़ी अच्छी मार्च के महीने में आ जाती हैं और फूल भी बनना शुरू हो गए हैं। इसमें फल फूल बीज सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं, तैयार हो जाती हैं। आसानी से बढ़ रहा है पौधा मेरा, पत्तियां काफ़ी अच्छी हुई हैं। इसी तरह से मेरे शैम्पू के डब्बे में मैंने होल करके पोर्चुला का लगा दिया है। इसमें भी अच्छी फ्लावरिंग होगी, धूप में रखना इससे ज़रूरी है। इसमें भी मैंने कटिंग से पोर्चुला का लगाया है। और ये टर्टल वाइन लगा रखा है, काफ़ी दिनों से लगा रखा है, हटा देती हूँ, इसमें से शिफ्ट करती रहती हूँ। और ये ड्रैगन फ्रूट डाले थे तो उसके बीज हैं, पौधे तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने स्नैक प्लांट रखा है जो कि राउंड शेप में ये तैयार होता है। इसका मदर प्लांट से बेबी प्लांट्स भी बनना शुरू हो गए हैं। काफ़ी खूबसूरत स्नैक प्लांट है ये, और इसी में धूप घास भी लगा रखी है। इसी जगह पे ये बहुत सारी बोट लिली भी मैंने तैयार की हुई है।